गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू स्टडी मैथ्स ऑफ क्लास 7। टुडे वी विल डिस्कस अवर चैप्टर सेकंड, फ्रैक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फ्रैक्शंस? द नंबर्स ऑफ द फॉर्म ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर नेचुरल नंबर्स, आर नोन एज फ्रैक्शन। जो भी नंबर ए बाय बी की फॉर्म में होते हैं, यहाँ पे ए भी नेचुरल नंबर है एंड बी भी नेचुरल नंबर है, उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रैक्शंस। इन ए एंड बी, व्हाट इज ए एंड व्हाट इज बी? ए इज अ न्यूमरेटर एंड बी इज डिनोमिनेटर। फॉर एग्जांपल, इन 3/5, 3/5 इज अ फ्रैक्शन, इन विच ए इज अ 3, सो 3 इज अ न्यूमरेटर एंड 5 इज बी एंड 5 इज डिनोमिनेटर। इन द सेकेंड एग्जाम्पल, 17/6, सो 17/6 इज अ फ्रैक्शन, इन विच 17 इज न्यूमिरेटर एंड 6 इज डिनोमिनेटर। 8/1 इज फ्रैक्शन, वेयर 8 इज न्यूमिरेटर एंड 1 इज डिनोमिनेटर। नेक्स्ट, वेरियस टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेसिमल फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज एनी ऑफ द नंबर्स 10, 100, 1000 एक्सेट्रा, इज कॉल्ड डेसिमल फ्रैक्शन। तो कोई भी फ्रैक्शन जिसमें उसका डिनोमिनेटर क्या हो, 10 हो या फिर 100 हो या 1000 हो, उसको हम क्या बोलते हैं? डेसिमल फ्रैक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट इज वल्गर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज डिनोमिनेटर इज अ होल नंबर अदर देन 10, 100, 1000। तो जिसका डिनोमिनेटर कोई और होल नंबर हो विदाउट 10, 100, जैसे 2.94/13, 13/20, 27/109, सो आर ऑल कॉल्ड वर्गुलर फ्रैक्शंस। थर्ड वन इज प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिरेटर इज लेस देन इट्स डिनोमिनेटर इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जिसका क्या हो, न्यूमिरेटर जो है लेस हो डिनोमिनेटर से, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर फ्रैक्शन। जैसे 3.7, 5.11, हेयर न्यूमिरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर, लाइक दिस 23.40, 73.100, ऑल आर प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो फोर्थ वन इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन हुज न्यूमिरेटर इज मोर देन और इक्वल टू इट्स डिनोमिनेटर, जिसका न्यूमिरेटर या तो ज़्यादा हो डिनोमिनेटर से या फिर इक्वल हो डिनोमिनेटर से, डिनोमिनेटर के। सो 11/7, 25/12, 41/36, 53/53, सो ऑल आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। नेक्स्ट वन इज मिक्स्ड फ्रैक्शन, अ नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। सो कोई भी नंबर जिसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ सम ऑफ, सो टू नंबर्स का सम, एक तो नेचुरल नंबर एंड द सेकेंड इज प्रॉपर फ्रैक्शन, इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे 1 and 3/4, इसको हम लिख सकते हैं 1+3/4, सो 1 इज नेचुरल नंबर एंड 3/4 इज फ्रैक्शन। सो 4, 5.7, सो इसको हम लिख सकते हैं 4+5/7, 4+5/7, वेयर 4 इज नेचुरल नंबर एंड 5.7 इज प्रॉपर फ्रैक्शन, सो दिस इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। LCM of 8 and 12 is equal to 2.
denominator 24. So let us change these two fractions, 5.5 into which number? So we get in the denominator 24, 3. Multiply this by 3. 5, 3 is a 15. 8, 3 is a 24. Next is 7 over 12. So 2 by 2. 14 over 24. Now compare these two fractions having denominator 24, 24. Now compare only numerators of these two terms. 15 over 24 is greater than 14 over 24. So our fraction 5 over 8 is greater than 7 over 12. This is your answer. Next question is, arrange the following fractions in ascending order. 3 by 4, 5 by 6, 7 upon 9 and 11 by 12. So we have to arrange these fractions in ascending order. First of all, we have to take LCM 4, 6, 9, 12. 2 to the 4, 3 to the 6, 6 to the 12. 1, 3, 9, 3. 3, 1, 1, 3, 1. So LCM is 2 into 2 into 3 into 3. 2 to the 4, 4 3 is 8. 4 3 is 12, 12 3 is 36. So LCM is 36. Now change these fractions into an equivalent fraction of denominator 36. 3.4 into 9. 5 over 6. So to make it 36, we have to multiply by 6. 7.9. 4. 11 over 12. 27 over 36, 30 over 36, 28 over 36, 33 over 36. Now we have to arrange in ascending order. So first of all, we have to take least fraction. So smallest fraction is 27 over 36. If it is less than 28 over 36, and this is less than 30 over 36, this is less than 33 over 36. So after that, write here original fractions, 27 over 36, 3.4, 28 upon 36, 7 upon 9, 30 over 36, 5 upon 6, 33 upon 36, 11 over 12. So this is your answer. This is the ascending order of these fractions. Next question is, arrange the following fractions in descending order. 3 by 4, 7 by 8, 7 by 12, 17 over 24. So take the LCM of the denominators. First of all, 2, 2 to the 4, 4, 4 to the 8, 6 to the 12, 12 to the 24. 1, 2, 3, 4. Six.
alphabet. 2 into 2 into 2 into 3. 2 to the 4, 4 to the 8, 8, 3 is 24. So 24 is the LCM. Now let us change these fractions into an equivalent fraction of a denominator 24. Having denominator 24, 3.4 into 4 into 6, 24. So denominator is 24. 7 upon 8, 3. So 8 into 3, 24. 7 over 12, 2.2. 2 into 12, 24. 17 over 24, 1 upon 1. So 3, 6, 9 18 over 24, 21 over 24, 14 over 24, 17 over 24. So arrange these fractions in descending order. So first of all, we have to take largest fraction, 21 over 24. This is less, this is greater than 18 over 24, this is greater than 17 over 24, and this is greater than 14 over 24. Now write the original fractions, 21 over 24, so 7 by 8 is greater than 18 over 24, 3.4, 17 over 24, 17 over 24, 14 over 24, 7 upon 14 over 24, 7 over 12. So this is the arrangement of fractions in the descending order. Next sum is, Renu got 2 by 7 part of an apple while Sonal got 4 by 5 part of it. Who got the larger part and by how much? So Renu got 2 by 7 part and Sonal got 4 by 5 part. Compare these two fractions, 2 by 7 and 4 by 5. So LCM of 7 and 5 is equal to 35. So 2.7, 5 upon 5, 4 upon 5 into 7 upon 7. 10 upon 35, 28 upon 35. So 28 upon 35 is greater than 10 upon 35. It means 4 upon 5 is greater than 2 upon 7. Who eats the 4 by 5 part? Sonal. So Sonal got larger part. To find out by how much? By how much? We have to differentiate 4 by 5 minus 2 by 7. 4 by 5 minus 2 upon 7. So LCM is 35. 35 divided by 5, 7. 7 4 is 28. 35 divided by 7, 5 5 is
18 over 35. So this is your answer. Students, this is your homework. Thank you, students. Solve the sum as we have done already.